नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस YouTube चैनल PPC लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है, बिल्कुल बेसिक सा टॉपिक है, इंटरनेट। आज से हम इस वीडियो में एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं WIT यानी वेब एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट पर। इसकी जो यूनिट फर्स्ट है उसका सबसे पहला टॉपिक क्या है, इंटरनेट। तो इंटरनेट को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, आप सभी अच्छे से जानते हैं इंटरनेट के बारे। तो हम इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में डिफाइन कर सकते हैं कि इंटरनेट इज डिफाइंड एज एन इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे टू असेस इंफॉर्मेशन ओवर द वेब। इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर सिस्टम। कि जो इंटरनेट है वो एक वर्ल्ड वाइड ग्लोबल सिस्टम है इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स का। बिल्कुल सिंपल भाषा में आप इसको किसी भी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इंटरनेट यूजेस द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल TCP/IP। एवरी कंप्यूटर इन इंटरनेट इज आइडेंटिफाइड बाय अ यूनिक IP एड्रेस। ये बातें हम पिछले सब्जेक्ट कंप्यूटर नेटवर्क में भी पढ़ चुके हैं कि जो कंप्यूटर है उसको हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। इंटरनेट पे जो कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, इंटरनेट से जो कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, उनका प्रत्येक कंप्यूटर का एक यूनिक IP एड्रेस होता है और वो सभी कंप्यूटर का अलग अलग होता है। The concept of internet was originated in 1969 and has undergone several technological and infrastructural changes. देखिए, जो इंटरनेट का कंसेप्ट है वो शुरुआत हुई थी उसकी 1969 से, और उसके बाद इसमें बहुत से चेंज आए जो हम इस वीडियो सीरीज में कंप्लीट स्टडी करेंगे आने वाले टॉपिक्स में उनको। कि जैसे शुरुआत में जब इंटरनेट बनाया गया था तब वह किस तरह से काम करता था, और फिर उसमें आराम आराम से सुधार होते गए, और अब किस तरह से इंटरनेट काम करता है। देखिए, जब शुरुआत हुई इंटरनेट की तो बहुत कम लोग ही इससे जुड़े हुए थे, और बहुत मेन काम्स के लिए ही, जो बहुत इंपॉर्टेंट काम थे उनके लिए ही इसका यूज किया जाता था। जैसे साइंटिस्ट इसका यूज करते थे, लेकिन आज हर कोई इसका यूज करता है, इसकी पहुंच हर व्यक्ति तक हो चुकी है। अब हम पढ़ते हैं इस वीडियो में कि अगर आपसे एग्जाम्स में पूछ लिया जाए व्हाट इज इंटरनेट या डिफाइन इंटरनेट, तो आप बिल्कुल सिंपल भाषा में सबसे पहले इंटरनेट को डिफाइन करेंगे और उसके बाद उसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों लिखिए ताकि आपको पूरे नंबर मिले। तो एडवांटेज में हम किस तरह से लिख सकते हैं, इंटरनेट कवर्स ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ वन कैन थिंक ऑफ। अब जो इंटरनेट है, आज के समय में इंटरनेट से हम सब कुछ कर सकते हैं। इंटरनेट ने हमारे काम को बहुत आसान कर दिया है। तो इसका सबसे पहला एडवांटेज क्या है, इंटरनेट अलोज अस टू कम्युनिकेट विद पीपल सिटिंग एट रिमोट लोकेशंस। वन कैन फाइंड वेरियस सोशल नेटवर्किंग साइट्स सच एज फेसबुक, ट्विटर, याहू, गूगल, फ्लिकर। तो इसकी सबसे पहली एडवांटेज हम लिख सकते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से हम लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं। अब वार्तालाप होने के लिए पहले के ज़माने में क्या होता था कि जब हम आपस में एक दूसरे के पास बैठे होते थे तभी हम एक दूसरे से बात कर सकते थे, लेकिन आज के समय में इंटरनेट ने हमें क्या सुविधा दी है कि हम वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठे हों, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, और एक कोने से दूसरे कोने में, यानी एक शहर से दूसरे शहर में आप इंटरनेट के माध्यम से बात कर सकते हैं। इसके लिए कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट्स का आप सब यूज करते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया। वन कैन सर्व फॉर एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। अब कोई भी व्यक्ति इंटरनेट पर किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकता है, उसका यूज कर सकता है। इंटरनेट आल्सो सर्व्स एज ए मीडियम फॉर एंटरटेनमेंट। अब इंटरनेट का जो यूज है वो एंटरटेनमेंट के पर्पज के लिए भी हो रहा है, जैसे ऑनलाइन टेलीविजन, सॉन्ग्स, आप किसी भी तरह के गाने सुन सकते हो यूट्यूब पे, सोशल नेटवर्किंग, ऑनलाइन गेम्स, वीडियोज देख सकते हो, ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हो। तो ये सभी बातें जो जो आप जानते हैं आप एडवांटेज में लिख सकते हैं। इंटरनेट अलोज अस टू यूज मैनी सर्विसेज लाइक इंटरनेट बैंकिंग का यूज आप कर सकते हो, ऑनलाइन बिल पेमेंट कर सकते हो, डाटा शेयर कर सकते हो, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, जैसे फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, ईमेल भेज सकते हो, ऑनलाइन टिकट बुकिंग। अब टिकट बुक आप, जैसे आपको कहीं भी यात्रा पर जाना है तो जैसे ट्रेन की टिकट है, एरोप्लेन की टिकट है, आप पहले ही उसको इंटरनेट के माध्यम से बुक कर सकते हो। इंटरनेट प्रोवाइड्स कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स दैट अलोज द बिजनेस डील्स टू बी कंडक्टेड ऑन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। आप सभी अच्छे से इन बातों को जानते हो, और डिसएडवांटेज में आप क्या क्या लिख सकते हो, थ्रेट टू पर्सनल इन्फॉर्मेशन। सबसे बड़ा थ्रेट क्या है,
इंटरनेट का जो डिसएडवांटेज क्या है वो है कि आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो चोरी हो सकती है। वो कैसे चोरी हो सकती है इसको भी आप अच्छे से जानते हैं। जैसे कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड से किसी भी ऑनलाइन साइट में पेमेंट करते हो तो वहाँ पर आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसकी चोरी होने का डर रहता है। बहुत सी ऐसी साइट्स हैं जो सिक्योर नहीं है। स्पैमिंग आप अच्छे से जानते हो, साइबर क्राइम, ये एक पूरी की पूरी वीडियो साइबर क्राइम के बारे में मैंने बनाई हुई है कि साइबर क्राइम ऐसे क्राइम जो इंटरनेट पे होते हैं जिनका कंप्यूटर के द्वारा जो क्राइम होते हैं उनको हम साइबर क्राइम बोलते हैं। वायरस अटैक्स, पोर्नोग्राफी, तो ये कुछ बातें हैं जिनको आप लिख के थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर सकते हो, आप अच्छे से डिफाइन कर सकते हो इन सबको। There are various websites that do not provide the authenticated information. This leads to misconception among many people. तो इस तरह से हम disadvantage of internet, advantage of internet को अच्छी तरह से define कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे साथ इस वीडियो सीरीज में बने रहिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।